हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम अदर टर्मिनोलॉजी, कुछ अन्य शब्दावली। हमने बियर के बारे में पढ़ा, बियर की सारी डिटेल्स पढ़ा। बुल के बारे में पढ़ा, बुल की सारी डिटेल्स पढ़ा। अगर आप लोग पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं बियर और बुल के बारे में, तो आप टर्मिनोलॉजी की वीडियो ये वाली अभी ना पढ़ के पहले जाइए, बियर पढ़िए और बुल के बारे में पढ़िए, तेजड़िया एवं मंदड़िया के बारे में, ठीक है? फिर यहाँ पे आइए, आप ये वीडियो पढ़िए, ठीक, तब आपको बात पूरी समझ में आएगी। देखिए, कैपिटल मार्केट में जैसे कि बात थी कि भैया कुछ ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में उसका मतलब कुछ और निकलता है, बट जब वही चीज कैपिटल मार्केट में यूज होती है तो उसका मीनिंग बदल जाता है, उसकी मीनिंग बदल जाती है। तो जैसा कि हम लोग तेजड़िया और मंदड़िया में पढ़ चुके हैं और इन सब के बारे में डिटेल्स पढ़ चुके हैं, ये बिजनेस का कैपिटल मार्केट जो चैप्टर है, कैपिटल मार्केट, उस पर मैंने नियर अबाउट मेरे ख्याल से 4 वीडियोस बना दिया मैंने। पहला फिनेंशियल मार्केट के नाम से, दूसरा कैपिटल मार्केट पार्ट 1 के नाम से, फिर पार्ट 2 के नाम से, ठीक है? तो ये 3 वीडियोस हो गई। उसके बाद बियर के बारे में पढ़ाया चौथी वीडियो, और बुल के बारे में पढ़ाया 5वीं वीडियो। तो 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और ये 6वीं वीडियो है हमारी कैपिटल मार्केट की, जो कि आखिरी वीडियो है कैपिटल मार्केट की, ठीक है? 6वीं और आखिरी वीडियो है ये कैपिटल मार्केट की, तो थोड़ा ध्यान से रहेगा और आराम से पढ़ाई करिए बेटा। लगभग मैंने सिलेबस ख़त्म कर दिया है, इसमें जो फाइंडिंग इंडेक्सिंग वगैरह बची हुई हैं वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है? शेयर तो बिल्कुल करिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सकें, ठीक है? और लाइक करने में क्या जाता है यार, आप पता चलता रहेगा। अगर पसंद आती है तो वाकई लाइक किया करिए। चलिए, कौन कौन से टर्म्स हमको पढ़ने हैं वो स्टार्ट करते हैं। पहला है फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। क्या होता है अंकित मूल्य क्या होता है? फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, इसको दूसरे नाम से नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, किसी भी प्रतिभूति के ऊपर लिखे हुए मूल्य अंकित मूल्य कहते हैं। मतलब जो भी सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी के ऊपर जो रुपीज़ लिखे हुए हैं कि कितने दाम की, जितनी वैल्यू लिखी हुई है ना, उस सिक्योरिटी की जितनी वैल्यू लिखी हुई है उस वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। दूसरा प्रीमियम पर। मान लेते हैं कोई शेयर है 100 रुपए का, लेकिन कंपनी उसे बेच रही है 10 रुपए ज्यादा पर। क्यों? क्योंकि कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, वो अपना सामान 100 रुपए वाला सामान 110 में बेच रही है। किसी को खरीदना खरीदे, ना खरीदना ना खरीदे, उसकी गुडविल तो अच्छी है भाई। तो जब वो अपने 100 रुपये के दाम की चीज़ को 110 रुपये ले रहा है, तो ये 10 रुपये क्या कहलाता है? प्रीमियम कहलाता है, ठीक है? और डिस्काउंट क्या? मान लीजिए वो 100 रुपये का शेयर है, अभी नई नई कंपनी खुली है, उसकी गुडविल उतनी अच्छी नहीं है, 100 रुपये का शेयर वो 90 रुपये में ही देने को तैयार हो गई, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट, बट्टे पर, और प्रीमियम को अधिमूल्य पर, ठीक है? बाजार मूल्य क्या होता है? बाजार मूल्य होता है बेटा कि जितने में कंपनी
का शेयर बाजार में बिक रहा है उसको बोलते हैं बाजार मूल्य, उसको क्या बोलते हैं? बाजार मूल्य। चलिए अब आगे की बातें कर लेते हैं। बाजार मूल्य, जिस मूल्य पर प्रतिभूति का क्रय विक्रय शेयर बाजार में किया जाता है। जब बाजार में बिक रहा है सामान तो भले वो 100 रुपये का है, वो तय किया जाएगा कि कितने रुपए में आज बिकेगा। मान लो आज बिक रहा है 150 रुपये में, तो बाजार मूल्य क्या कहलाएगा, 100 रुपये या 150 रुपये? 100 रुपये तो उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी, पर बाजार मूल्य क्या कहलाएगा, 150 रुपये। ठीक है। बोली मूल्य, बिड प्राइस। मान लो एक कस्टमर है शेयर खरीदना चाहता है, उसने कहा मैं 100 रुपये का है, आप 150 में बेच रहे हो, मैं 140 में खरीद लूँगा, बताइए बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। ये 140 रुपये क्या कहलाएगा, जितने की उसने बोली लगाई उसको बोलते हैं बोली मूल्य, बिड प्राइस। ठीक है। फीते वाला मूल्य या टेप प्राइस बोलते हैं। देखिए, टेली प्रिंटर मशीनें, जैसे आप स्टेशन वगैरह पे जाते होंगे बेटा, स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो एक मशीन लगी होती है जिसमें ट्रेन्स बताता है कि ये ट्रेन इतने बजे आएगी, इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, ठीक है, ट्रेन का नंबर ये है, तो ऐसे बार बार उसकी लिस्ट आती जाती है। ठीक उसी तरह एक मशीन होती है जिसमें शेयर्स के दाम बताए जाते हैं, ये कंपनी का शेयर इतने रुपए में बिकेगा, उसका एक फीता निकलता रहता है, उस फीते पे उसका, उस शेयर का, उस कंपनी के शेयर का दाम छपता रहता है। ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिकांशतः स्कंद विनिमय एवं बड़े बड़े सटोरियों के यहाँ टेली प्रिंटर मशीनें लगी रहती हैं, जिनके माध्यम से देश विदेश के स्कंद विनिमयों में प्रचलित प्रतिभूति मूल्य इस मशीन में लगे एक फीते पर छपते रहते हैं। इस प्रकार फीते कर मूल्य छपने को ही फीते वाला मूल्य कहते हैं। ठीक है। फीते पे छप छप के निकलता रहता है, उसी को बोलते हैं फीते वाला मूल्य। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। कर्व मूल्य, कर्व प्राइस, स्ट्रीट प्राइस भी बोलते हैं। देखो कभी कभी मान लो जो आदमी शेयर बेचना चाहता है उसको बोलते हैं ब्रोकर। ठीक है। ब्रोकर या जॉबर, अभी आगे आएगा ब्रोकर या जॉबर कौन होता है। ब्रोकर या जॉबर जो होता है बेटा, वो शेयर बेचना चाहता है अपना। ठीक है। अब जब ये शेयर बेचना चाहता है तो ये अपनी शॉप, अपनी ऑफिस में बैठे होते हैं, ऑफिस से जब निकलते होंगे या छुट्टी वाला दिन, मान लो किसी दिन स्टॉक मार्केट बंद थी, उस दिन कोई आदमी इनसे रोड पे मिला और रोड पर किसी शेयर का दाम तय किया कि हम इतने रुपए में बेचेंगे, कोई आदमी तैयार भी हो गया खरीदने को, स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं, जहां उसकी ऑफिस थी वहां पे नहीं, जब स्टॉक मार्केट खुली थी तब नहीं, स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद जब रोड पर मिलके कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, तो उसको बोलते हैं कौन से दाम पे किया गया है, स्ट्रीट प्राइस पे किया गया है, कर्व मूल्य पर किया गया है। ठीक है। और ये व्यवहार लेन देन जिस मूल्य पर होते हैं उसे कर्म मूल्य कहते हैं। कर्म मूल्य को सड़क पर मूल्य, गली का भाव, गली के सौदे जैसे नामों से भी जाना जाता है। प्रवाद, टिप, कहते हैं ना कि टिप मिली है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। अगला वर्ड जो है हमारा वो है टिप। अगर प्रवाद से आशय, हिंदी में बोलते प्रवाद, प्रवाद से आशय उन सूचनाओं या अफवाहों से है जिनके फैलाने से स्कंद विनिमय के मूल्यों में अत्यधिक प्रभावित होते हैं, मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की सूचनाएं एवं अफवाहें फैलाने वाले व्यक्ति को प्रवाही कहा जाता है, ट्रिपस्टर।
मतलब कोई आदमी अगर ये सूचना फैला रहा है, कोई अफवाह फैला रहा है जिसकी वजह से शेयर या सिक्योरिटीज़ के दामों पर कुछ असर पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं टिप। क्या बोलते हैं? टिप। और जो व्यक्ति इसे फैला रहा है उसे बोलते हैं ट्रिपस्टर। क्या बोलते हैं? ट्रिपस्टर। स्मॉल ट्रेड, देखिए सूक्ष्म व्यापार से आशय किसी प्रतिभूति के एक निश्चित मूल्य पर बहुत कम सौदे होने से है। अगर अगर कोई प्राइस पे बहुत कम ट्रांजेक्शन हो रही है, बहुत कम ट्रांजेक्शन हो रही है किसी एक फिक्स प्राइस पर, तो उसको बोलते हैं स्मॉल ट्रेड, सूक्ष्म व्यापार। ठीक है। लाभांश रहित, अगर अगर कोई शेयर बिका, कोई शेयर बिका मान लो, या डिबेंचर बिका, उसमें उसको डिविडेंड नहीं मिलने का अधिकार है, डिविडेंड नहीं मिलेगा उसको, तो उसको बोलते हैं निकाल कर, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, एक्स डिविडेंड। ठीक है। देखिए लाभांश रहित का अर्थ है कि प्रतिभूति के बाजार मूल्य में ब्याज की गत देय तिथि से सौदा होने की तिथि का ब्याज सम्मिलित नहीं है। मान लो कोई शेयर 1 अप्रैल को एक्स के पास था और उसने एक्स ने बेच दिया जेड को। कब बेचा 30 जून को। तो अब बताइए कितने महीने तक ये शेयर एक्स के पास था? 1 अप्रैल से जोड़ लीजिए, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने तक एक्स के पास था। 3 महीने बाद वो जेड के पास आ गया। अब ये 3 महीने का इंटरेस्ट कौन पाएगा, एक्स पाएगा कि जेड पाएगा? वो जब तक एक्स के पास था तब तक का डिविडेंड का अधिकार एक्स का है, जब वो जेड का हो गया उसके बाद के डिविडेंड का अधिकार जेड का है। अगर उसने डिविडेंड सम्मिलित करके बेचा है जेड को, तब तो वो कम डिविडेंड कहलाएगा। अगर उसने डिविडेंड जोड़कर नहीं बेचा तो उसको बोला जाएगा एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड। ऐसी प्राइस जिसमें डिविडेंड शामिल हो तो कम डिविडेंड, और जिसमें डिविडेंड नहीं शामिल हो तो एक्स डिविडेंड। ठीक है। आगे देखते हैं अधिकार सहित। मान लो एक आदमी था, एक्स, वही वाले एग्जांपल लेते हैं, उसने जेड को बेचा। अगर एक्स ने जेड को बेचा पर राइट ट्रांसफर नहीं किया, अधिकार ट्रांसफर नहीं किया, तो उसको बोलते हैं एक्स राइट। अगर उसने उस शेयर या डिबेंचर या सिक्योरिटी पे, उस सामान पे राइट भी ट्रांसफर कर दिया, तो उसको बोलते हैं कम राइट। क्या बोलते हैं? कम राइट। अगला देखते हैं आय या प्राप्ति, याइल्ड। क्या होती है याइल्ड? प्रतिभूति के निवेश में लगाई गई पूंजी से जो ब्याज या लाभांश, मान लीजिए हमने शेयर में या डिबेंचर्स में पैसा लगाया, तो वहां से या तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा या फिर शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड कमाया गया है, उस इंटरेस्ट या डिविडेंड को क्या बोला जाएगा? याइल्ड। क्या बोला जाएगा? आय या प्राप्ति, याइल्ड, YIELD। दलाल या जॉबर, देखिए स्कंद विनिमय का वह सदस्य जो अन्य व्यक्तियों हेतु प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। मतलब अगर कोई आदमी है, उसने किसी के लिए शेयर खरीदा और बेचा, व्यक्तियों के लिए शेयर खरीदा, इस आदमी ने खरीदा या बेचा है किसी दूसरे आदमी के लिए, ठीक है, तो ये हो गया ब्रोकर। ये क्या हो गया? ब्रोकर। ये आदमी हो गया ब्रोकर। अगर कोई आदमी खुद के लिए शेयर खरीदता बेचता है तो उसको बोलते हैं जॉबर। उसको क्या बोलते हैं? जॉबर। अगर कोई आदमी दूसरों के लिए शेयर खरीदता बेचता है तो उसको बोलते हैं जॉबर, और किसी दूसरे के लिए खरीदता बेचता है तो उसको बोलते हैं ब्रोकर। अब आते हैं बेटा
सह दलाल, टाउट, ऐसा समझ लो जो ब्रोकर है ना उसका एजेंट, जो ब्रोकर था उसका एजेंट, कोई उसके लिए काम कर रहा है, जो उसके लिए कस्टमर ढूंढ ढूंढ के लाता है, ब्रोकर है। ब्रोकर दूसरे के लिए शेयर डिबेंचर खरीदेगा बेचेगा, सिक्योरिटीज खरीदेगा बेचेगा। अब वो सिक्योरिटी जिसके लिए खरीदी बेची जाएगी उसको ढूंढ के लाना पड़ता है, तो उसके लिए एक आदमी खड़ा रहता है एजेंट के रूप में, जो ब्रोकर का एजेंट होता है, जो ब्रोकर के लिए कस्टमर ढूंढ के लाता है, उसको बोलते हैं टाउट। ठीक है, अभिगोपक, अंडरराइटर, संयुक्त पूंजी कंपनी द्वारा अंशों एवं ऋणपत्रों के क्रय विक्रय हेतु नियुक्त एजेंट को अभिगोपक कहते हैं। अगर कोई कंपनी अपना शेयर डिबेंचर खरीदना बेचना चाहती है तो वो एक आदमी को चुनती है या एक कोई संस्था को चुनती है जो हमारे शेयर को बिकवाएगा, और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट 90% नहीं पूरी होती है तो वो खुद ही खरीद लेगा और कंपनी को उनको बेचने का अधिकार। देखिए, जब भी कोई कंपनी शेयर बेचती है तो एक कंडीशन होती है कि 90% शेयर बिक ही जाना चाहिए, 90% से कम नहीं बिकना चाहिए, 90% से ज़्यादा हो कम ना हो। तो अगर 90% से कम बिकता है तो वही व्यक्ति अंडरराइटर जो चुना गया है वही खरीद लेता है और 90% पूरा कर देता है। ठीक है, ऊंचा बाजार, टॉप हैवी मार्केट, जिन स्कंद विनिमय केंद्रों में सर्वाधिक प्रतिभूतियों का विक्रय होता है उसे ऊंचा बाजार या अति विक्रय विपणी कहा जाता है। देखिए, जहां पे ज्यादा शेयर्स वगैरह बिकते हैं, डिबेंचर्स वगैरह बिकते हैं, उसको बोला जाता है टॉप हैवी मार्केट। मंदड़िया बाजार, बियर मार्केट, जब स्कंद विनिमय बाजार में एक लंबे अंतराल तक मूल्यों में गिरावट चलती रहती है तो उसे स्थिति को मंदड़िया बाजार कहते हैं। देखिए, जब कॉन्टिन्यूस बियर मार्केट जब कॉन्टिन्यूस रिडक्शन हो रहा है प्राइस में, प्राइस गिरती ही जा रही है, तो उसको बोलते हैं बियर मार्केट। इनसाइडर ट्रेडिंग आंतरिक ट्रेडिंग, देखिए क्या कहलाता है, वह सौदा जो मूल्यों को प्रभावित करने वाले घटक के प्रकाशित होने से पूर्व ही सूचनाओं के आधार पर कर लिए जाते हैं उन्हें आंतरिक ट्रेडिंग कहते हैं। वह सौदे जो मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक के प्रकाशित होने से पूर्व ही, देखिए कोई ऐसी चीज़ आने वाली है, हमें अनुमान हो गया कि ऐसी चीज़ आने वाली है जिसकी वजह से शेयर मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगी, तो हमने क्या किया, पहले ही उस शेयर को खरीद या बिक्री कर ली और उसी खरीद या बिक्री को आंतरिक ट्रेडिंग कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। एट पार, अगर 100 का शेयर 100 में ही बेच दिया गया, 100 का शेयर 100 रुपए में ही बेच दिया गया तो उसको बोलते हैं एट पार। बैंक रेट आप पीछे की वीडियोस में भी पा जाएंगे, आप चलिए मैं बता देता हूँ। जब कोई बैंक को लोन चाहिए होता है तो वो बिल लिखकर आरबीआई को देते हैं और RBI उस बिल को डिस्काउंट करके शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। RBI उस बिल को डिस्काउंट करती है और अन्य बैंकों को पेमेंट करती है उस बिल के नाम पे, और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, 3 महीने तक के लोन प्रोवाइड करती है उस, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या जिस रेट पर वो डिस्काउंट करी जाती है उसको बैंक दर कहते हैं। कटौती दर, डिस्काउंट रेट, केंद्रीय बैंक जिस दर पर देश के अन्य बैंकों के विपत्रों को पुनः भुनाने की सुविधा देता है उसे कटौती दर कहा जाता है। बाजार दर, मार्केट रेट, बाजार दर वह होती है जिस दर पर व्यापारिक बैंक अथवा अन्य संस्थाएं मुद्रा बाजार से हिंडियों तथा अन्य साख पत्रों को भुनाती हैं। जिस दर पर व्यापारिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक या एनी अदर इंस्टीट्यूशन मनी मार्केट से कुछ हुंडियां लिखकर या कोई भी साख पत्र जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह लिखकर जाकर भुनाती हैं तो ऐसी संस्थाएं प्रतिभूतियों की बाजार दर के अनुसार ऋण देती है। ठीक है, जिस रेट पर वो लोन प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मार्केट रेट। क्या बोलते हैं? मार्केट रेट। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, अब कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। बेटा बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं कुछ दिन से बाहर था,
यहाँ नहीं था। फिर मुलाकात होगी, गुड लक।